हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनाए जाओ बनाए जाओ। मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज सीखेंगे पोहा की रेसिपी। ये बहुत ही इजी है बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप लोग बनाइए, खाइए और खिलाइए। कमेंट्स मुझे कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पोहा की रेसिपी को शुरू करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं खिला खिला पोहा। उसको बनाने के लिए सामान चाहिए। मैंने एक कटोरी पोहा लिया है, एक प्याज, आलू, नींबू, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, धनिया, राई, सौंफ, हल्दी, शक्कर, नमक, मटर, जीरा मन, मूंगफली और सेव, सेव गार्निश के लिए इतना सामान लगेगा। प्याज को इस तरह से काटना है, पतला पतला, लंबा लंबा, इस तरह से। हरी मिर्ची बारीक काट ली है मैंने प्याज में। आलू को भी पतला पतला पीस काटना है जिससे ये अच्छे से गल जाए। पोहा को एक स्ट्रेनर में डाला है और एक पानी से धोएंगे। ज़्यादा पानी से धोएंगे तो ये गल जाएंगे, उपमा जैसे बन जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एक पानी से धोएं और 5 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। पोहा को धोए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, शक्कर और इसको हल्के हाथों से मिला देंगे। ज़्यादा तेज तेज नहीं चलाएंगे, नहीं तो पोहा टूट जाएगा। देखिए इस तरह से मिला के इसको रख देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ऑन कर लिया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल बिल्कुल थोड़ा डालेंगे, पोहा में ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहिए, नहीं तो चिपचिपे हो जाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे, गरम होने देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देंगे राई, इसको चटकने देंगे। जब तक राई चटक नहीं जाए तब तक दूसरी चीज नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कड़वी लगेगी। गैस को मीडियम रखेंगे। अब इसमें मूंगफली डाल देंगे, इसको भून लेंगे, थोड़ा क्रंची होने देंगे। मूंगफली को निकाल लेंगे, थोड़ा मूंगफली भून चुकी है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। सौंफ को डालेंगे, इसको भी थोड़ा भुनने देंगे। अब हम प्याज, हरी मिर्ची डाल देंगे। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का ही भुनेंगे, हल्का गुलाबी हो जाए उतना ही भुनेंगे। और प्याज इसी तरह काटना है, कड़ी पत्ता डाल लेंगे। अब
इसमें आलू भी डाल देंगे, जिससे आलू भी भुन जाए और गल जाए, दोनों को एक साथ भुनने देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे आलू और प्याज के हिसाब से। अब इसको आलू को गलने तक भूनेंगे, ढक देंगे थोड़ा और बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक मिनट तक इनको पका लेंगे, बीच में चलाते रहेंगे। पोहा बन चुका है, इसमें लाल मिर्ची नहीं डालना, हरी ही डालना। जितना तीखा खाना है हरी मिर्ची को ही कम ज्यादा कर लेना, नहीं तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें धनिया पत्ती मिला देंगे, बहुत ही अच्छा पोहा बना है और बिल्कुल सॉफ्ट बना है, खिला खिला भी बना है। देखिए आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके पोहा भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब खा के देखिए, बना के देखिए, एक बार जरूर ट्राई करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करें। तो देखिए कितना अच्छा खिला खिला पोहा बना है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला। तो आप लोग एक बार जरूर बनाइए खिला खिला पोहा। मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसको गार्निश करेंगे, थोड़े से सेव जीरा मन भी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा मन डाल लिया है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप इसके ऊपर कच्चा प्याज बारीक डाल सकते हैं, कच्चा नारियल डाल सकते हैं और ये सेव, इस तरह से सेव डाल सकते हैं, इससे पोहा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको अब खाइए चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए कितना खिला खिला बना है पोहा, इसी तरह आप बनाएंगे तो आपका पोहा भी खिला खिला बनेगा, सॉफ्ट और खिला खिला। तो एक बार जरूर ट्राई करें पोहा की रेसिपी।